आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है जहां पर सीजीपीएससी घोटाले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया, चेयरमैन टामन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव पर एफआईआर हुई और कई कांग्रेसी नेताओं पर भी मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीजीपीएससी घोटाले में बड़ा एक्शन ईओडब्ल्यू का। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया है चेयरमैन टामन सोनवानी और जीवन किशोर ध्रुव पर एफआईआर हुई। इसके साथ ही कई कांग्रेसी नेताओं पर भी मामले दर्ज हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। युगल तिवारी हमारे से जुड़े हुए हैं। युगल, जिस तरीके से जब बीजेपी की सरकार आई तब यही बात की जा रही थी कि सीजीपीएससी घोटाले की जांच होगी, अब ईओडब्ल्यू ने मामला भी दर्ज कर लिया है। देखिए सुमित, सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ का चर्चित घोटाला रहा है और उसे लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। और देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एसीबी कार्यालय ईओडब्ल्यू के कार्यालय पर और यहाँ पर एफआईआर दर्ज की कर ली गई है। पुलिस विभाग, गृह विभाग ने एक प्रतिवेदन भेजा था और उस प्रतिवेदन के आधार पर जो पूर्व चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी और इसके अलावा जो ध्रुव है उस पर ये मामला भी फिलहाल दर्ज किए गए हैं। और अपने प्रतिवेदन में दर्ज लिखा गया है कि इसमें कई राजनेताओं की संलिप्तता है वो पाई गई है। तो उस आधार पर जो आने वाले समय में कई राजनेताओं पर जो एफआईआर दर्ज हो सकते हैं, गाज गिर सकती है। और इस घोटाले पर ये गंभीर आरोप थे कि जो पदाधिकारी हैं और जो राजनेता हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनको अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ दिया गया है। और ये मामला काफ़ी रहा है, चलता रहा है और इस पे राजनीति भी जमकर होती रही है। और इस बीच जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह प्रदेश के युवाओं को ये आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था कि इन पर कार्रवाई होगी जिसने गड़बड़ी की है। तो फिलहाल जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, देखना होगा कि आने वाले समय में किन किन राजनेताओं के नाम हैं उसमें आते हैं, किन की संलिप्तता पाई जाती है। फिलहाल धारा 420 के तहत अपराध है, दर्ज कर लिए गए हैं। और अब देखना होगा कि कब तक और जो राजनेता हैं, फिलहाल पूरे मामले की अब जांच है वो ईओडब्ल्यू है वो कर रही है, लेकिन जो पूर्व चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दर्शकों को बता दें कि सीजीपीएससी घोटाले में कथित जो घोटाला हुआ है उसमें तत्कालीन सरकार पर अपनों को, करीबियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए युगल, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से जारी है। तीसरे दिन सदन में पिछली सरकार में हुए घोटालों की गूंज सुनाई दी। सीएम ने खनिज परिवहन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। वहीं तेलीबांधा वीआईपी रोड सुंदरीकरण का मामला भी उठा तो हसदेव अरण्य में वनों की कटाई को लेकर हंगामा हुआ। लगातार विपक्ष के हंगामे को लेकर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सदन की शुरुआत में ही कांग्रेस का सदन छोड़कर भाग जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों की गूंज सुनाई दी। सीएम विष्णुदेव साय ने पिछली सरकार में खनिज परिवहन में घोटाले के आरोप लगाए। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है और पूर्ववर्त
ऑनलाइन टीपी जारी होगा। आपने कहा कि क्या रहेगी? छवि बिल्कुल खराब हुई थी, एक बदनामी हुई कि अलग से कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हो रहा है और ईडी उस पर जांच भी कर रही है और कई लोग संचालक जो हैं उसके साथ माइनिंग ऑफिसर और आईएएस वगैरह भी मतलब आज जेल के अंदर में। वहीं सदन में वीआईपी सड़क सुंदरीकरण में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसमें गड़बड़ी की बात मानी और जांच समिति बनाकर जांच की बात कही, तो नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने वन विभाग में अनियमितता का मुद्दा उठाया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इससे जुड़े कई मामलों की जांच हो रही है। वहीं हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का मुद्दा सदन में उठा। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी पूर्व राज्य सरकार के समय की गई अनियमितताओं को उजागर कर रही है। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के 300 करोड़ के हवाई खर्च का मामला भी उठाया। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान विधायक राजेश मूलत ने कांग्रेस सरकार द्वारा हवाई यात्रा में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। उन्होंने पूछा कि राज्य में 1 जनवरी 2019 से नवम्बर 2023 तक हेलीकॉप्टर और विमान के लिए कुल कितना भुगतान किया गया। इस पर सीएम साय ने बताया कि 1 जनवरी 2019 से नवंबर 2023 तक दिल्ली, गुड़गांव और रायपुर की कई प्राइवेट एजेंसियों से भी चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर कांग्रेस सरकार ने किराए पर लिए थे। प्रदेश के सरकारी हेलीकॉप्टर में भी मेंटेनेंस, उसके कुछ पार्ट्स खरीदने में बड़ा खर्चा किया गया है। करके 2023 तक विमान के अंदर या हेलीकॉप्टर में कहां कहां की यात्रा की गई और कौन कौन सी एजेंसी के माध्यम से आपने किराए पे लिया। सामान्य रूप से कहीं पे भी जा रहा, प्लेन जा रहा था, हेलीकॉप्टर जा रहे थे, नेता लोग घूम रहे थे, कहां किस आंदोलन में किस में, उसकी जानकारी भी कौन कौन था उसके अंदर इसकी नहीं आई है अभी कि उसका उपयोग किस किस ने किया। अगले प्रश्न में यह बात भी आएगी कि उस यात्रा में कौन कौन मंत्री या कौन सांसद या कौन लोग थे। तो इधर बीजेपी के सवाल पर भूपेश बघेल ने विमान के खर्च को लेकर बयान दिया। बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की जो हेलीकॉप्टर हैं वो पिछली सरकार ने सेकेंड हैंड लिया था, क्रैश हो गया, उसके बाद निजी हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ा, उसमें किराया जो लिया गया है वो विधि सम्मत है। राज्य सरकार जो हेलीकॉप्टर है जो पिछले सरकार ने सेकंड हैंड लिया था, इस प्रकार से आरोप भी लगे थे और वो क्रैश हो गया और उसके बाद तो निजी हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ा। विमान भी पुराना हो गया, लगातार ग्राउंडेड रहा, रिपेयरिंग में भी लगे और उसमें किराया जो लिया गया है वो विधि सम्मत है, टेंडर किया गया है और उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बताएं। खबर बिलासपुर से, जहां विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से झटका लगा है। प्रेम प्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया। देवेंद्र यादव पर चुनाव के लिए दिए जाने वाले हलफनामे में जानकारी छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई, हलफनामे में जानकारी छुपाने के आरोप लगे हैं। 20 मार्च को मामले में अगली सुनवाई। रामलला के दर्शन के लिए दुर्ग से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई और इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल और धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। रामलला के ननिहाल से 1340 यात्री 20 बोगियों में सवार होकर अयोध्या रवाना हुए। इससे पहले स्पेशल ट्रेन की विधिवत पूजा अर्चना की गई, ट्रेन के इंजन को फूलों की माला पहनाई गई, लोगों ने लोको पायलट का स्वागत भी किया। उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीवन में अपना बहुत बड़ा पुण्य कमाए रहे होंगे,
कि आज हम लोगों को रामलला जी जो अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राम का दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या, हमारा किस्मत हमारा भाग्य है जो लाखों लोगों ने वहाँ कुर्बान कर दिया, आज उसके खून जो बह है वहाँ, आज उसका पुण्य प्रताप से हम लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, राम का दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग, कहीं न कहीं मतलब हमारा कहीं न कहीं पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा जो हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद उनके उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उसके बाद आज हमें जाने का मौका मिल रहा है, तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। वहीं अयोध्या से रायपुर लौटे राम भक्तों का रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने उनका भव्य स्वागत किया। इधर राम भक्तों ने पहला जत्था अयोध्या से मुंगेली भी लौटा, राम भक्तों का जत्था, लोगों ने राम भक्तों का वहां पर भी भव्य स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़े बजाकर राम भक्तों का स्वागत हुआ है। जो पहला जत्था रामलला के दर्शन करने के बाद दोबारा रायपुर लौटा, उनका भव्य स्वागत हुआ। मुंगेली भी लौटे राम भक्तों का स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर ही ढोल बजाकर राम भक्तों का स्वागत किया गया है। अंबिकापुर से खबर है जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रा सुसाइड मामले में स्कूल की सिस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट में सिस्टर की पेशी के दौरान युवा मोर्चा ने जमकर हंगामा किया था। आपको बता दें कि छठवीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। परिजनों ने स्कूल पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। न्यूज 18 ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एक्शन हुआ है स्कूल की सिस्टर पर। उधर रायपुर में दो हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया था, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक हादसे में घायल हुआ है। वहीं दूसरी घटना में हाईवा ने एक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। रायपुर में कम्युनिकेशन ऑफिस में लूट की कोशिश करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मिर्च पाउडर डालकर ऑफिस में लूट करने की कोशिश की थी, इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। वारदात की कोशिश के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस वारदात में एक आरोपी कम्युनिकेशन ऑफिस में ही काम करता है। दुर्ग की महिला जो ओमान में बंधक थी उसे मुक्त करवा लिया गया, ये जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ट्वीट कर दी और साथ ही उन्होंने महिला को फोन कर उसका हाल भी जाना है। आपको बता दें कि 8 महीने पहले होममेड बनने के लिए ओमान गई थी एक महिला, जिसे वहां बंधक बना लिया गया था। उसने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी सरकार से। न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब सरकार ने एक्शन लेते हुए महिला को मुक्त करवाया है ओमान से। ठीक है, ठीक है। आपके आपको कौन लेकर के वहाँ गया था और क्या आपके साथ हुआ है? आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो मुझसे जरूर मिलकर बताना आप, है ना? जी सर, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर को आप रखे रहिए और आकर के आप यहाँ मुझे जरूर बताइए क्या विषय हुआ था, किसी ने आपको अगर धोखा दिया तो हम लोग फिर उसको देखेंगे और आपके आने की व्यवस्था जल्दी करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात हो तो बताना आप, है ना?